नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर संत जेवियर में आयोजित प्रदर्शनी से है। संत जेवियर स्कूल साहिबगंज में रविवार को 2 दिवसीय प्रदर्शनी संपन्न हो गया। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न विषयों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी विषय के ऊपर प्रदर्शनी लगाई गई। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 11 तक के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण इस वर्ष अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर का मॉडल एवं चंद्रयान 3, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य मॉडल को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सहित रसायन एवं भौतिक विज्ञान के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन मॉडल प्रस्तुत किए थे। एग्जीबिशन में पहुँचे अभिभावकों ने जिसकी खूब सराहना की। इस मौके पर बच्चों ने और क्या बताया, चलिए उन्हीं से सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। 16-19 है, इसमें हम तीनों मिल के बनाए हैं। और इसमें जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो उसको 16 एक्लिप्स है, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आता है तो उसको लूने है। और इसमें शैडो की फॉर्म होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ शैडो फॉर्म, फिर यहाँ पर अभी शैडो फॉर्म होगा, उसमें दोनों है। यूनिवर्सिटी था उस टाइम में, इसको कुमारगुप्ता द्वारा निर्मित किया गया था 5वीं शताब्दी में। ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था कि इसके अंदर 8 कॉलेज थे और 3 बड़े बड़े लाइब्रेरीज थे। लाइब्रेरीज में कहा जाता है कि 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें रखी हुई थी, लेकिन कुछ जलसी के द्वारा, मतलब जलसी की वजह से मोहम्मद बिन हफ्तियार खिलजी ने इसे चला दिया। और मतलब इतने बुक्स थे ना, तो ये ना 3 महीने तक लगातार चलते रहा था। उसके बाद ये खंडर बन गया था, लेकिन फिर 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसके द्वारा इसे फिर से बनाया गया और अभी स्टूडेंट्स पढ़ते हुए। राम मंदिर 500 वर्ष पहले जब मीर बाकी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके बाद फिर मीर बाकी अपना बाबरी मस्जिद खड़ा किया था। फिर जब आज़ादी हुआ उसके 2 साल बाद यहाँ पे राम जी का अवशेष मिला था। फिर उसके बाद 1973 और 2003 में इसका अवशेष और मिला था। तो उसके बाद 2010 में हाईकोर्ट इलाहाबाद का वो दिया था कि 2.77 एकड़ जमीन का 3 हिस्सा होगा, इसमें से 1 हिस्सा राम मंदिर को जाएगा, 1 हिस्सा सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, 1 हिस्सा अखाड़ा को। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि सारा का सारा जमीन राम लल्ला के जन्मभूमि में दिया जाएगा और बाकी 5 एकड़ जमीन अलग से कहीं और बाबरी मस्जिद को बनाने। इसको द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। इसको बनाने में 5.5 करोड़ रुपए लगा था और ये सूरज के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, एलर्ट पॉइंट में रहेगा ताकि कोई भी ग्रहण से इसको परेशानी ना हो, और राम से सूरज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलो कौन बताएगा? ये ताजमहल है, ये ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा, ये ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था उनके वाइफ को इस लव को साइन करने के लिए। और इसमें ये मौसीलम है, इसमें शाहजहाँ और दोनों का कब्र मौजूद है ताजमहल के बेसमेंट में। और इसका जो डिज़ाइन है वो उस्ताद ईसा खान ने किया था, और जो डिज़ाइन, जो मेथड है डिज़ाइन का, उसको पीटरा डोरा कहते हैं। और इसको ऑलमोस्ट 20,000 लेबरों ने मिलकर बनाया था, और इसको 20 साल लगा था बनने में, और इसको 20 साल बनने में लगा था। और ये इसका 1632 में 1632 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता, 1648 में खत्म, 68 में कंस्ट्रक्शन पूरा होता। होता है 2 माउंटेन के बीच में डैम जो होता है, 2 माउंटेन के बीच में प्रोटेक्ट करने के लिए डैम होता है। अच्छा, वाटर पास होता है, एकदम कम वाटर भी दिया जाता है। डैम का जो प्रोफाइड भी है और इफेक्ट्स भी है। इफेक्ट्स क्या है, जैसे डैम बाई चांस भी ब्रोक हो गया या उसके ज़्यादा बाई चांस उसका लॉक टूट गया तो वो फ्लड ला सकता है उसके आस पास, या उसमें बहुत सारे वाटर हो जाएंगे, जैसे जानवर को प्रॉब्लम होगी, जानवर डेड हो सकते हैं। ये मॉडल एक डैम का, रिसाइकल डैम का। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पंप लगा हुआ, ये पंप यहाँ पे जितना वाटर सेव है और वही वाटर यहाँ पे लेके आके ये पेप्सी जीतता है, ये पेप्सी, यही पेप्सी गिर रही है ये वाटर। थैंक यू। चंद्रयान का मॉडल है, ये चंद्रयान 3, ये एक हवाई जहाज का मॉडल है, ये एक बाइक है, ये है एक इसरो का बेस। यहाँ पे हम लोग
14 जुलाई 2021 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया था मून के साउथ पोल को ले जाने।